हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने खाने का तैयारी। एक्चुअली मैंने बनाए थे दाल, अरहर की दाल, तो उसके लिए चौक के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर पता है टमाटर फंस रहे थे चॉपर में, तो मैं वही सेट कर रही थी। कभी कभी क्या होता है ना, उसके चॉपर में अटक जाते हैं जो होते हैं टमाटर, बड़े बड़े स्लाइस कर दो तो ऐसा हो गया। तो मैंने यहाँ पर वही सेट कर रही थी और यहाँ पर मेरे टमाटर के जो बीज वगैरह होते हैं वो लग गए थे। इसके बाद मेरे चॉप हो गए हैं, तो मैं लगाऊंगी अब तड़का। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिए। क्योंकि देखिए, मैं बहुत छोटी सी जगह से हूँ, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकती। मैं जब एक सब्सक्राइबर बढ़ता है आज भी या स्टार्टिंग से भी, तो मुझे जो खुशी होती है ना, और जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे सपोर्ट करते हैं, नई नई रेसिपी शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कुछ न्यू देखने को मिले, तो आप लोग भी मुझे मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। मतलब कि आप लोग मेरे को अपनी अपनी रेसिपी या अपने कोई बैंगल कलेक्शन शेयर करवाना चाहता है या कोई अपना ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करवाना चाहता है, तो आप लोग कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उसमें फेस दिखाओ आप, ज़रूरी नहीं है। नीचे फ़ोन टेबल वगैरह पर रख कर उसको सूट करके आप मुझे भेजिए, एडिटिंग मैं करूँगी, वॉइस ओवर मैं करूँगी, तो मेरे सब्सक्राइबरों को कुछ न्यू देखने को मिलेगा और आप लोगों की चीज़ों की तारीफ भी होगी और आप लोगों की चीज़ें आप लोग शेयर भी कर पाएंगे। तो प्लीज़ जाइए और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सिंपल लिविंग विद रिंगल जैन। और यहाँ पर मैं जो तड़का है वो लगा रही थी, तो देखिए यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्च डाल दी, और जो मसाले होते हैं वो मैंने ऐड कर दिए, जैसे हींग, जीरा और धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ मैं डालकर और इसे अच्छी तरह से मैं पका रही हूँ यहाँ पर। और अब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है नमक, अच्छी तरीके से नमक पकने के लिए छोड़ दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। मैंने यहाँ पर मेरी सब्सक्राइबर हैं जैसे कि आरती, उन्होंने मेरे को कल एक रेसिपी शेयर करी है मैगी रोल की, तो आप लोगों के साथ मैं वो भी शेयर करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ जाइए पूरा देखिए और वो रेसिपीज आप लोग अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी वो शेयर करती हैं, बहुत अच्छी तरीके से बनाती हैं। कल की वीडियो तो हिल रही थी बिकॉज उन्होंने नहीं किसी का सपोर्ट लिया था, लेकिन आज उन्होंने जो वीडियो शेयर की है वो हिल नहीं रही है। लेकिन मैं उनसे बोलूँगी कि आप अपना फ़ोन थोड़ा लिटा के रखा करिए ताकि वीडियो बड़ी आए, यानी जो लिटा कर रखते हैं ना फ़ोन को, उस तरह से आप खड़े फ़ोन से बना देती हो ना, तो इस वजह से ऐसा होता है। चलो कोई नहीं, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना सपोर्ट कर रही हूँ मुझे। और कल पता है उन्होंने जब वीडियो बनाई तो वीडियो हो गई काफ़ी बड़ी और जो कि वो सेंड नहीं हो रही थी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया उनका, तो उन्होंने बोला कि वीडियो सेंड नहीं हो रही है, तो मैंने बोला कि कट कर लीजिए, एडिट करके फिर भेजिए, तो फिर उन्होंने एडिट करी। तो आप लोग भी है ना, दो दो मिनट की, चार चार मिनट की, तीन चार पार्ट में वीडियो बनाइएगा सेंड करने के लिए, दो मिनट की, चार मिनट की, पाँच मिनट की, इससे ज़्यादा की मत बनाइएगा, नहीं तो फिर वो सेंड नहीं होती और प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जो दाल है मैंने तड़का लगा दिया है, उसमें दाल डाल दी थी, और इसके बाद मैं यहाँ पर अच्छी तरह से बॉईल कर लूँगी एक दो बार। और इसको पकने के बाद जो टेस्टी दाल बनती है ना गाइस, सच में इतनी यम्मी बनती है, मेरे तो मुंह में पानी आता है। और चावल के साथ तो फिर रोटी खाने का मन ही नहीं करता कि यहाँ पर मैं खा लूँ। और यहाँ पर मेरी दाल पक रही है, इसको मैं ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए और मैं बाहर चली जाऊँगी। यहाँ पर मुझे कपड़े वॉश करने थे थोड़े से, तो मैं वो वॉश कर रही हूँ। यहाँ पर कई सारे कपड़े थे दीयू के और मेरे, और यहाँ पर मैं वही वॉश कर रही हूँ। और आज मैंने ना अपना ट्राईपॉड इस तरह से लगाया, क्योंकि इधर आप लोगों को पता है कि स्पॉट वगैरह दिखते हैं, फिर कई कमेंट आते हैं। तो कल की वीडियो पर मेरे पास एक कमेंट करा था, कढ़ाई कितनी गंदी है, तो शायद आपने सही देखा ही नहीं, कढ़ाई गंदी नहीं थी मैडम, वो सिल्वर की कढ़ाई है, तो इस वजह से, और वो गंदी नहीं थी, साफ़ थी। हर चीज़ में आप लोगों को गंदगी नज़र आती है, प्लीज़ यार। एक इंसान ने कमेंट करा, ये तो सोचिए कोई इंसान मेरा वो अपनी नहीं है, मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, मेरा उनसे कोई बात नहीं है, मेरा कोई घर की नहीं है, फिर भी वो इतनी प्यारी प्यारी मेरे लिए रेसिपी शेयर करती है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि आप लोगों को कुछ न्यू मिले देखने को। आप लोग कहते हो ना न्यू रेसिपी शेयर करो, न्यू करो, तो वही चीज़ देखने को मिले आप लोगों को भी न्यू, और तो आप लोग भी आगे मतलब कुछ सीख पाओ और मेरे से अटैच रह पाओ। तो इस तरह से वो मेरी हेल्प कर रही हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। अगर आप लोग चाह रहे हो, आप लोग मुझे दिल से प्यार करते हो, तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए दूसरों से, और
अपने फैमिली मेम्बर के साथ तो आप लोग शेयर कर ही सकते हो। तो यहाँ पर जो कपड़े वगैरह हैं मैं जल्दी जल्दी से इनको वॉश कर लूँगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया है, खाना भी मुझे खाना है, खाना मतलब बन गया है दाल चावल वगैरह तो वही खाऊँगी। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस को दाल चावल बन जाए तो रोटी खाने का मन नहीं करता। मेरा तो दाल चावल बने हुए तो रोटी खाने का मन नहीं करता। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े ऑलरेडी साबुन लगा दिए हैं, मैं इनको ब्रश से रगड़ दिया है। अगर ब्रश से ना रगड़ो तो फिर मतलब पसीने की स्मेल आती है और गंदगी साफ नहीं होती इस तरीके से। तो यहाँ पर जो सारे कपड़े हैं मैं वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर अपना जो भी खाने वगैरह का काम है वो करूँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। आप लोगों को बता दूं, मैं कई दिनों से बताना भूल गई, मतलब मम्मी के मम्मी दिशा है ना और भाई ना घर पे चले गए हैं और मम्मी को है ना करंट यानी लाइट ने पकड़ लिया था। मतलब मम्मी ना जला रही होंगी कुछ तो मम्मी का गलती से हार्ट टच हो गया। मम्मी लाइट वगैरह का काम नहीं करती हैं क्योंकि मम्मी की आईसेट थोड़ी सी वीक है और उनको डर भी लगता है, लाइट से बहुत डर लगता है उनको। लेकिन तो उनको लाइट वगैरह ना इस तरह से पकड़ लिया। तो फिर मेरा भाई और मेरी बहन मतलब शाम को चले गए वो इसी कारण से। तो वही कारण है कि वो चले गए और मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मैं बहुत ज़्यादा सैड दिख रही हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा होगा चेहरे से। तो ऐसा यहाँ पर हस्बैंड आटे का वो लेकर आए थे तो उसको भी मैं धो के रख दूँगी। तो बस भगवान ने बचा लिया मेरी मम्मी को, नहीं तो वैसे भी आप लोगों को पता ही है क्या हालत हो रही है। तो बस भगवान ने बचा लिया, भगवान की कृपा, क्या समझूँ यार, भगवान की कृपा है कि उन्होंने मेरी हेल्प करी। मेरी मम्मी को करंट लगते लग ही गया था करंट, लेकिन होता है ना कि लाइट एक बार पीछे छोड़ती है तो वही पीछे छोड़ा उसने और वो बच गए हम लोग, मतलब मम्मी बच गए। तो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई तो फिर वो चली गई, क्योंकि सबसे छोटी वाली बहन ही घर पर रहती है और बाकी सब तो कोई रहता नहीं है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सारे जो कपड़े हैं मेरे वॉश हो गए हैं और मैं ना इसके ऊपर रख देती हूँ ताकि जो कपड़े होते हैं वो निचुड़ जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर मेरे रख चुके हैं, वॉशिंग मशीन नहीं है लेकिन मैं वॉशिंग मशीन लूँगी भी नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का घर हो और खुद के घर में जाकर अपना सारा सामान लूँ। जैसे सोफ़ा, मेरा एक ड्रीम है कि मेरा खुद का घर होगा और मैं उसमें सोफ़ा सजाऊँगी और घर को बहुत अच्छी तरह से सजाऊँगी, पर्दे वर्दे लगे होंगे। आप देखिए गाइस, आज जैसी मैं हूँ वैसे ही मैं कल रहने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने तो देखा है कि मेरी स्ट्रगलिंग लाइफ कैसी है, मतलब मैं कहाँ से कहाँ पहुँचूँगी तो आप लोग तो जानते ही हैं। इसका तो मैं दिल से जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना ही कम है। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को रेसिपी। यहाँ पर मैं खाना वगैरह खा रही हूँ, मैंने खाना शुरू कर लिया है। देखिए दाल और चावल, दाल देखने में कितनी यमी लग रही है, आप लोग देख ही सकते हैं कितनी यमी लग रही है ना खाने में, और इतने खाने में लग रही थी। तो मैंने कभी उस दिन दाल बनाई थी उसमें काफ़ी पानी हुआ था, लेकिन अभी मैंने ये ढक के रख दी थी ना तो ये बिल्कुल मतलब ना तो ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, और इसमें टमाटर तो एकदम घुल गए हैं, तो खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग भी एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा। और मैं हाथ से खाना खा रही हूँ यहाँ पर और मैं टीवी भी देखती जा रही हूँ और मेरा बिल्कुल भी यहाँ पर मन नहीं लग रहा। मैं आप लोग को बिलीव नहीं दिला सकती, मतलब कितना अजीब सा मन लग रहा है। जबकि देखिए, या तो हम अकेले रहते हैं तो फिर वही हैबिट पड़ जाती है, या फिर कुछ दिन के लिए हमारे साथ कोई आ जाए रहने के लिए तो फिर हमें उससे आदत पड़ जाती है, फिर कुछ दिन तक हमें सूना सूना सा लगता है, घर में कोई है नहीं है। वैसे मैं भाभी को बहुत मिस कर रही हूँ, भाभी होती हैं तो मेरा मन लग जाता है, बट भाभी अभी गाँव गई हैं। एक्चुअली मैं उनकी जो देवरानी है वो प्रेग्नेंट है और उनका बस डिलीवरी होने वाली है उनके एंड में या जुलाई की फर्स्ट वीक में हो जाएगी, उनका 9th मंथ चल रहा है। बात मेरी होती रहती है कॉल पर, वो कॉल कर लेती है या मैं कॉल कर लेती हूँ उनके पास, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा याद तो उनकी आ रही है क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बात सारी शेयर कर लेते थे और वो भी कर लेती थी, मैं भी कर लेती थी, लेकिन मैं आप लोगों को पता है इधर की उधर नहीं करती हूँ।
तो यहाँ पर देखिए आरती ने मेरे पास रेसिपी भेजी है, सो थैंक यू सो मच इतनी अच्छी रेसिपी भेजने के लिए। ये बना रही हैं मैगी ब्रेड रोल, जिसके लिए इन्होंने मैगी ली है उसे उन्होंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको ये चला रही हैं और इसको अच्छी तरह से पका लेंगी, जैसे हम लोग नॉर्मली पकाते हैं वैसे ही पकानी है, कोई तड़का वगैरह इनको नहीं लगाना है। ये देखिए मसाला है, उनका मसाला वो कट करें, इनके हाथ कितने प्यारे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं, नेल्स येलो कलर की नेल पेंट लगा रखी है इन्होंने, और ऐसे मोटे मोटे से जो हाथ होते हैं ना भरे भरे से मुझे बहुत पसंद आते हैं, मेरे नहीं है, मेरे तो बहुत उंगलियाँ पतली हैं अलग जा रही हैं और हाथ अलग जाते हैं, इनके हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे मैंने इनका बाई फेस भी देखा है क्योंकि ये मेरे पास फ़ोटोज़ वगैरह भेजी हुई है इन्होंने, तो बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत अच्छी है, मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है, मतलब बहुत अच्छी हैं। कई सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जो कि मतलब मुझे अब भी मतलब स्टार्टिंग से मुझे प्यार करते हैं, यानी मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जैसे नंदिनी अग्रवाल हैं, निशा दीदी हैं, सोनिया हैं, गरिमा सिंह हैं, आरती हैं, और कुसुम बुद्धा हैं, रिद्धि राय हैं, ये सारी। अब देखिए इन्होंने क्या करा है, बेलने से बेल दिया है। अब इसको वो अच्छी तरीके से जो मैगी है तब तक इधर बन रही है और इधर इन्होंने रोल बेल लिया है। इसके बाद इन्होंने जो तवे पर है मैगी, इसको सॉरी बटर लगा लिया है, बटर ही लगाया है और तवा गरम करके रख दिया है। अगर मुझसे कुछ वॉइस ओवर करने में मिस्टेक हो रही हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मुझे ना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी वीडियो क्या हुआ था ना कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, फिर इनको कट करनी पड़ी। तो अब दो दो या पाँच 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 मिनट की दो या तीन क्लिप बना लीजिए, लेकिन ज़्यादा बड़ी करते हो फिर एडिट करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर वो उन्होंने जो बेला था ब्रेड उसको रख लिया है, उसके बाद जो उन्होंने मैगी बनाई थी वो मैगी बन गई है, उन्होंने वो मैगी यहाँ पर इसके अंदर भर दी है। अब इसका वो रोल बना लेंगे। आज इन्होंने बहुत जुगाड़ से वीडियो बनाई है, देख लिए बिल्कुल नहीं हिल रही है आज तो इनकी वीडियो, कल काफ़ी हिल रही थी ना, तो आज नहीं हिलेगी, आपको समझ में भी आएगा आज, है ना। तो यहाँ पर ये इन्होंने ये जो अपनी स्लेव थी वो साफ़ कर ली है, और जो मैगी वाला रोल था उन्होंने बनाकर एक साइड में रख लिया है। एक ऐसे वो दो तीन रोल बना लेंगी, देन इसके बाद वो जो भी तवा है उस पर सेकेंगी, जैसे हम लोग सेकते हैं ब्रेड को पराठे की तरह, उस तरह से वो सेकेंगी। देखिए यहाँ पर उन्होंने अभी फिर मैगी रखेंगी इस वाले पर, इस तरीके से यहाँ पर ये मैगी उन्होंने रख दी है। अब इसको रोल कर लेंगी वो, जैसे रोल करते हैं हम लोग इस तरह से, वो रोल कर लेंगी मैगी ब्रेड रोल को, और ये बहुत ही यमी और बहुत ही जल्दी बनने वाली मतलब रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और थैंक यू सो मच आरती की इतना प्यारा प्यारा मुझे रेसिपी शेयर करने के लिए, मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी दीयू के लिए, बहुत जल्दी ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसका क्रेडिट मैं आरती को देती हूँ, आरती ने इतने मुझे सिखाया और ये रेसिपी शेयर करी। आप लोग भी कर सकते हो, अपनी ज्वेलरी शेयर कर सकते हो मेरे साथ, मैं भी देखूंगी और साथ ही साथ मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी देखेंगे, तो उनको कुछ न्यू देखने को मिलेगा और मुझे कुछ न्यू दिखाने को मिलेगा। अगर आप मॉल वगैरह घूमने जाते हो तो उसकी भी वीडियो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो, मैं अपने आप लोगों का शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए जो रोल है वो बन गया है, और इसको मैंने पानी लगाकर आरती ने पानी लगाकर उसे रोल कर लिया है। अब उन्होंने तवे पर डाला है घी, और घी के बाद में वो सेक रही हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब वो दोनों तरफ पलट पलट के सेक लेंगी सारे, और आज की वीडियो उनकी बिल्कुल नहीं हिली है, क्लियर टीवी आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, और आपको समझ में भी आ रही होगी क्योंकि कल उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाई थी तो थोड़ी सी हो गई थी प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप लोग सेक लीजिएगा और आप लोग खाइएगा और कमेंट में बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।